Start recording. Start. Today, my topic is taxable capacity. Taxable capacity क्या होती है? उसको जानने के लिए हमें पहले tax clear करना पड़ेगा. Tax क्या होता है? Tax एक sacrifice है जो कि एक citizen of the country जो होते हैं, उनको अपनी जो उनके खर्चे होते हैं उनको कट करना पड़ता है और उसे कट करके अपनी इनकम का एक पार्ट टैक्स पे दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लेवीड होता है. टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है? टैक्सेबल कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी एक व्यक्ति की कितनी हो सकती है जिसके माध्यम से एक टैक्स को पे किया जाता है. अगर उसे सरल भाषा में सीधे बात की जाए तो टैक्सेशन कैपेसिटी रिफर्स टू द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट अ कंट्री कैन कंट्रीब्यूट बाय द वे ऑफ टैक्सेशन बोथ इन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. दो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है और दूसरा है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. तो दोनों सिचुएशन में जब कंट्री एग्जिस्ट कर रही हो तो हम किस तरीके से वो टैक्सेशन कलेक्ट किया जाएगा, उन दोनों ही सिचुएशन में कितना कितना टैक्सेशन आता है, तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, उसको मैक्सिमम क्षमता क्या है, अत्यधिक क्षमता क्या है जिससे कि एक टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी. अब टैक्सेबल कैपेसिटी जो होती है दो तरीके की होती है, एक को तो कहते हैं एब्सोल्यूट टैक्स कैपेसिटी और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव टैक्स कैपेसिटी. एब्सोल्यूट टैक्स कैपेसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट टैक्स कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टैक्सेशन दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी विदाउट कॉजिंग अनप्लीजेंट इफेक्ट. ये बात एक सच है कि टैक्स जो है थोड़ा सा अनप्लीजेंट होता है. जब हम अपनी आमदनी का कुछ पार्ट टैक्सेशन के रूप में देते हैं तो वो एक अनप्लीजेंट फॉर्म हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, एक अनप्लीजेंट इमोशन होता है. बट इसको हम ये कहेंगे कि टैक्स एब्सोल्यूट टैक्स कैपेसिटी वो होती है कि आपने जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइस करके जो टैक्स पे किया है एक कम्युनिटी ने, एक कंट्री ने, उसको और हम अनप्लीजेंट भी नहीं फील कर रहे, बहुत इजीली हम टैक्स पेमेंट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट टैक्स कैपेसिटी. सेकेंड हो गई रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी. रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब है जब दो कम्युनिटी में या दो कंट्री में हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, हमें टैक्स देना है और उस टैक्स देने का हमारा पर्पस कोई कॉमन एक्सपेंडिचर है कि कहीं हम एक तरीके से खर्चा जो कर रहे हैं वो कॉमन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आजकल का टाइम जैसे एक बीमारी का चल रहा है, कोविड पीरियड चल रहा है, तो सारी कंट्रीज जो है कुछ एक ग्रुप बनाए हुए हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कि कोई वैक्सीनेशन और अच्छी आ जाए जिससे कि इसका निदान हो जाए इसका कोविड का. तो उस केस में जब हम दो कंट्री या दो कम्युनिटी या कुछ भी दो होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा, तो उनमें जब हम कंपैरिजन करते हैं कि किस कंट्री ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है टैक्सेशन के लिए, देखिए जो डेवलप्ड कंट्री होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी और जो अभी डेवलपिंग स्टेज में चल रही है वो इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्री वो कम कंट्रीब्यूट करेगी, तो उसको हम चाहिए रिलेटिवली टैक्स कैपेसिटी. अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टैक्सेबल कैपेसिटी हमारी इन्फ्लुएंस करती है. फर्स्ट है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा नेशनल इनकम का रेट हाई होगा उतनी ही एब्सोल्यूट टैक्सेशन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी. उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन. साइज ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टैक्सेशन से. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, रिच पीपल एंड पुअर पीपल. जितने ज़्यादा रिच पीपल होंगे उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगेगा, पुअर पीपल पर टैक्सेशन नहीं लगाया जाता. तो जो एक साइज है रिच कम्युनिटी का उनपे टैक्स लगाया जा रहा है, तो जहाँ ज़्यादा ये बड़ा साइज है वहाँ पे ज़्यादा टैक्सेशन आ रहा है, अगर वहाँ पे
पे कम साइज है रिच पीपल का, तो वहाँ पे टैक्सेशन कम आएगा। थर्ड है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी टैक्सेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, तो आपको आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी अच्छी होगी क्योंकि यू आर वेल डेवलप्ड, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो हाई होगा। अगर आप अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग फेज में चल रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर आपको पैसा खर्च करना है, आपको एक ग्रोथ अटेन करनी है, एक स्टेज अटेन करनी है जिसके बेस पे आप अच्छा टैक्सेशन पे कर सकते हैं। थर्ड है साइकोलॉजी ऑफ टैक्स पेयर। अगर आपके टैक्स पेयर एजुकेटेड हैं, उनकी आप साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की, पैट्रियोटिज्म की एक स्पिरिट है, तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कीजिएगा। अगर आपकी मेंटालिटी उस तरीके की इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, आपके थॉट्स ही क्लैरिफाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप टैक्स इवेजन में जाएंगे, आप जो है फॉल्टी आइडिया ढूंढ लेंगे जिसके बेसिस पे हमारी इकोनॉमी को एक नुकसान पहुंचेगा क्योंकि टैक्स जो है हमारा ठीक से कलेक्ट नहीं होगा। नेचर ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम का मतलब, नेचर का मतलब यह है कि टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आप जो है उसे बैलेंस्ड तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर बना के चलिएगा कि डायरेक्ट टैक्स किस रेट्स में लगना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैसे हमें फोकस करना है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का प्रोपोर्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए, तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए भी टैक्सेशन पॉलिसीज हम लगाते हैं। क्यों? अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो हम टैक्सेशन से परचेजिंग पावर को कम करेंगे, सर्कुलेशन का मनी जो है वो कम हो जाना चाहिए, तो हाई टैक्स उस टाइम पर लगेगा। अगर डिप्रेशन चल रहा है तो डिप्रेशन में हम थोड़ा सा लीनियंट टैक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जिससे कि हमारी एक इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, उसके इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो चेक हो जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि अगर आप आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, आप एजुकेटेड हैं, आप हर तरीके से वेलबींग है, तो आप जो है अच्छी टैक्सेशन कैपेसिटी होगी, आप ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं और एक मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एट पॉइंट इज नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, अगर डेमोक्रेटिक है कंट्री, डेमोक्रेसी क्या होती है, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सरकार हमारे बीच के लोगों में से चुनी जाती है, हमारे लिए ही काम करती है, तो इस केस में उसकी एक सिंपैथी वो विन कर लेती, लोगों का विश्वास जीत लेती है कि हमारे लिए काम करेगी, जिसके बेस पे टैक्सेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। लोग अपने विश्वास पे, इस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। नाउ द गुड टैक्सेशन सिस्टम। एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम किसे कहा जा सकता है? गुड टैक्सेशन सिस्टम हम उसे करेंगे जिनके अंदर ये कुछ पॉइंट्स होंगे मेन। फर्स्ट, रेजिंग द पब्लिक रेवेन्यू। टैक्सेशन वो भी अच्छा है जहाँ पर एक सरकारी आय, इनकम, पब्लिक इनकम जो है अच्छी खासी अमाउंट में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो उसका पब्लिक रेवेन्यू का ग्राफ है वो हाई ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गुड टैक्सेशन सिस्टम में रेगुलेशन एंड कंट्रोल पूरा होना चाहिए। अगर रेगुलेशन एंड कंट्रोल नहीं होगा तो जो है फ्रॉड एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी, साइबर क्राइम्स जैसे ऑनलाइन पेमेंट में आप देख रहे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको चेक करने के लिए एक रेगुलेशन और कंट्रोल होना जरूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बननी चाहिए, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है जो कि हर चीज़ ये डिटेल सबकी चेक करता है कि किस सेक्टर से कितना पैसा आना चाहिए। पूरी एक उनका फॉर्मेट है, उस बेसिस पे स्लैब रेट्स लगते हैं, स्लैब रेट्स सैलरी कैसे कंप्यूट होती है, वो सारी चीज एक रेगुलेशन एंड कंट्रोल के अंदर आती है। इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गुड टैक्सेशन सिस्टम जो है
वेल्थ को इक्वल करता है। कहने का मतलब ये है कि रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच की जो खाई है उसे पाटने का काम एक टैक्सेशन सिस्टम से, अच्छे टैक्सेशन सिस्टम से हो सकता है। जो हाई क्लास पीपल है उनपे हम जो है ज्यादा टैक्स लगाएं और जो पुअर पीपल है उनको एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए सब्सिडीज दीजिएगा, उनको रिबेट्स दीजिएगा, डिस्काउंट दीजिएगा, फ्री सर्विसेज दीजिएगा, जिससे कि वो अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर सके और एक पॉवर्टी लाइन के अबव लेवल पर आ सके, पॉवर्टी एलिमिनेट। कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोशन गुड सिस्टम वही है जो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ा रहा है, पब्लिक रेवेन्यू को बढ़ा रहा है, प्लस कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि जो टैक्सेशन से हम पैसा इकट्ठा हो रहा है सरकार के पास उसी को हम चैनलाइज कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सोशल वेलफेयर में, समाज कल्याण के प्रोग्राम्स में। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ नेशनल इनकम। गुड टैक्सेशन सिस्टम नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है, पुश करती है। जितना ज्यादा टैक्स आएगा उतनी ही नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होगी। जितना और नेशनल इनकम के बड़े होने से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, तो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होगा, आउटपुट हमें डेवलपमेंट के रूप में आएगा। नाउ एसेंशियल्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, हमने अभी पढ़ा कि गुड टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, लेकिन गुड टैक्सेशन सिस्टम कहलाने के लिए वो कौन से पॉइंट हैं जो कि होने चाहिए। पहला इक्विटी, एक इक्विटी वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि सबके लिए एक समान टैक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पेन खरीदने जा रहे हैं तो कोई छोटा बच्चा आएगा, गरीब आएगा या अमीर आएगा, वो पेन की कीमत सबके लिए एक ही होगी, इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस। सेकेंड है प्रोडक्टिविटी, टैक्सेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो प्रोडक्टिव हो। जो हमारे लग्जूरियस आइटम्स हैं, लग्जूरियस आइटम्स पे कौन खरीदेगा, जो हाई क्लास लोग हैं, हाई क्लास जो है वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। और जो हमारे लो क्लास के लोग हैं उनको हमें जो है उनकी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए उनको रिबेट्स, डिस्काउंट्स, सब्सिडीज इस तरीके से देना चाहिए, जिससे कि एक बड़ा अमाउंट रिच पीपल से लेके उसे चैनलाइज कर दिया जाए, पुअर पीपल के लिए हेल्पफुल बन सके, पॉवर्टी को हम एलिमिनेट कर सकें। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जैसे आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे आपकी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्सेशन लेवी होना चाहिए, लगना चाहिए, इम्पोज होना चाहिए। मतलब जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन चल रही हो, इन्फ्लेशन चल रहा हो इकोनॉमी के अंदर, तो टैक्सेशन हाई रेट पे इम्पोज कीजिएगा। जब डिप्रेशन चल रहा हो तो आप जो है उसमें थोड़ी सी लीनियंसी रखें, आप जो है टैक्स रेट घटा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस टैक्स पेशन स्ट्रक्चर जो है कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कि कोई भी उसको आसानी से समझ के, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए कि उसे कंप्यूट कैसे करना है, हर एक के लिए वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब है कि टैक्सेशन का मेन मोटिव होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें किस तरीके से इस समाज का कल्याण करना है। आप देखिए आज हमें कितने साल हो गए आज़ाद हुए हमारे देश को, लेकिन अभी भी हम बेसिक मुद्दों पे ही काम कर रहे हैं, अभी भी हम बिजली, पानी, सड़क इन्हीं मुद्दों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे अमेरिका, वहाँ पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और उसके कंपैरिजन में अभी हम कुछ कदम पीछे हैं। हमारे यहाँ अभी 5G ही चल रहा है और वहाँ पे
17G, 18G आ चुके हैं। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हमें समाज कल्याण प्रोग्राम्स में लिप्त रहना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए जिससे कि हम जो है और रेज कर सके, आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ टैक्स इवेजन। एक गुड टैक्सेशन सिस्टम में एब्सेंस ऑफ टैक्स इवेजन का पॉइंट जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से हम उसको डिजाइन करें टैक्सेशन सिस्टम को कि टैक्स इवेड कोई कर ही नहीं पाए, उसको एजुकेट करें, उसको समझाएं कि टैक्सेशन देकर आप समाज के लिए ही एक अच्छा उदाहरण साबित हो रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी नई चीज आती है, कोई भी एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम काम करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, साथ ही साथ साइड बाय साइड हमारे उसके गलत तरीके और निकल जाते हैं, जिसके कारण आज दुनिया भर में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो हमें अपना दिमाग पॉजिटिवली पॉजिटिव चीजों में लगाना है, गलत तरीकों में नहीं लगाना। तो टैक्स इवेजन, कर चोरी से को हमें तोड़ना है, ये चैन तोड़नी है, तो उसके लिए हमें गुड टैक्सेशन सिस्टम में इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि टैक्स चोरी की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इन केस अगर कोई टैक्स चोरी करता भी है तो उसको पनिशमेंट प्रॉपर तरीके से दिया जाए, उससे रिकवरी हो, और ये टैक्स चोरी करना एक अपराध साबित कर दिया जाए और इस अपराध को अपराध की तरीके से लिया जाए। दुनिया में डर होना चाहिए कि गलत काम गलत नतीजे देता है। डीमेरिट्स, अब कुछ इसके डीमेरिट्स भी होते हैं, इन कमियों को भी हमें पूरा करना चाहिए, लेकिन वो डीमेरिट्स हैं क्या, क्या क्या कमी देखी गई। पहली, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। कोई भी टैक्सेशन सिस्टम कलेक्शन को चेक करने वाला सही तरीके से पॉलिसीज स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण मिसमैनेजमेंट, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, एक फ्रॉड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो व्यक्ति रईस है वो दिन पे दिन रईस बनता जा रहा है, क्योंकि वो टैक्स ही नहीं पे कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, और जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी नहीं उठ पा रहा है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। कुछ डिले हो जाती है डिसीजंस लेने में, कुछ इतने पेंडिंग मैटर्स पड़े हैं जिसकी वजह से उनकी केयरलेसनेस के कारण आज हमारी इकोनॉमी जो है जो एफिशिएंट रिजल्ट दे सकती थी टैक्सेशन के बलबूते पे, पब्लिक रेवेन्यू अच्छी खासी आ सकती थी, वो नहीं आई। सेकेंड है लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि हम फोकस तो कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि हमें प्रोग्रेसिव बनना है, आगे बढ़ना है, लेकिन हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, हम कॉम्पिटिशन को फेस ही नहीं कर पा रहे, हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं फ्लॉप हो रही है। हम उस प्लानिंग को सिर्फ प्लानिंग फेज में है, वो पेपर्स से निकल के अप्लाई नहीं हो रही है, क्रियान्वित नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। वो एक घिसा पिटा तरीका है टैक्सेशन कलेक्ट करने का। एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में वो लोग केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, सरकारी काम पे इसी वजह से देरी हो जाती है, डिसीजन राइट टाइम पे नहीं दिए जाते, राइट पर्सन इन राइट जॉब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से सामने क्लियर पिक्चर नहीं आ पाती, होता कुछ है और दिखाया कुछ और जाता है, जिसकी वजह से जो हमने एंटिसिपेट किया है फ्यूचर प्रोग्राम्स को लेके, उस तक हम ठीक से नहीं पहुंच पाते और हमारे गोल्स जो है अनअचीव्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेन गवर्नमेंट रेवेन्यू। टैक्सेशन से गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में अनसर्टेन बनी हुई रहती है। जैसे
इंडिया में 40% ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आती है और स्टिल एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मानसून. अच्छा मानसून होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तभी हम एक अच्छे हाई रेट्स का टैक्स इम्पोज करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तभी वहाँ से एक अच्छी रेवेन्यू आएगी. लेकिन तब क्या, जब वहाँ पर एक अच्छा मानसून नहीं हो पाया है, आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ पाया है जो हमने जैसा सोचा हुआ था, तो एक अनसर्टेनिटी है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स है. टैक्सेशन लॉज इस तरीके से बनाए हुए हैं कि एक अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा ही उस चीज को जो है उसका विरोध कर रहा है, उसको तोड़ रहा है. और आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना होता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जिस जिस तरीके से वो कंप्यूट किया जाता है कि उसमें किस किस हेड से आपको कहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, कहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, कैसे किस स्लैब रेट में आप आ रहे हैं, वो सारी चीज़ कंप्यूट करनी एक ले मैन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. वो उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टोटैलिटी में आपको वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. फिफ्थ इज अनबैलेंस्ड है आजकल का टैक्सेशन सिस्टम. क्यों? दो तरीके के टैक्स होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, जो कि इनकम टैक्स द्वारा लगाया जाता है. इनडायरेक्ट टैक्स, आपने कुछ भी सामान वगैरह खरीदा उसके गुड्स में ही, उसके प्राइस जो है गुड्स के उसमें जो है वो प्राइस टैक्स इंक्लूड होता है. तो इनडायरेक्ट टैक्स पे तो आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, उनसे आप बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं, टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हैं. इनडायरेक्टली टैक्स तो कलेक्ट हो करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जैसी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसके अनुसार एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा और उसमें आप प्राइस पेमेंट में उसका वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा. बट डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो हमारे देश के रईस लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो रईस में रईस होते जा रहे हैं. उनके अकाउंट सिर्फ इंडिया में नहीं, स्विस बैंक तक में उनके अकाउंट खुले हुए हैं, और किसी कारण से वो टैक्स इवेड करके निकल जाते हैं. और अधिकतर केसेस आपके सामने आ रहे हैं कि वो आय से ज़्यादा संपत्ति उसको प्राप्त हुई, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो रही हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से उनको केयरलेसनेस मिस्टेक उनकी देखी गई है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही उनको चेक नहीं किया और ये ऐसा बैड रिजल्ट आपके सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी गुडविल और हमारी असफलता एक बहुत चोट खाती है और हम असफल हो जाते हैं. Thank you. Thanks. अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो मैंने आज समझाया वो बता दीजिएगा. कोई पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस में. इसमें से 50% क्वेश्चंस जो हैं हम टैक्सेशन से ही डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसको समझना, इसकी बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. एक एक चीज़ इसमें खुल के बताई गई है. मैरिट्स जो हैं इसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स में और फैक्टर्स में कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़े से अलग हैं. किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो अपनी प्रॉब्लम्स ला सकता है, समझ सकता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.